हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स, राइट? वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, ओके। हम पेज नंबर 53 के क्वेश्चन आंसर्स पे थे, ठीक है? ये वाला हमने डिस्कस कर लिया था फॉर द एचडीटी। वी डिस्कस दिस क्वेश्चन फॉर द एचडीडी डीटी, टैबुलेट द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो आप लोग डिस्कस कर चुके हो कि 1H1, 1H2 एंड 1H3। एच का मीनिंग है हाइड्रोजन, मतलब 1H1। डी का मीनिंग है 1H2 एंड डी मीन है 1H3। तो टैबुलेट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यू हैव टू राइट। वो हम ये डिस्कस कराई था, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इसमें प्रोटॉन्स 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन कितना आएगा? मास नंबर माइनस इज 0। हियर 1 1 2 माइनस 1 1 1 1। दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एचडीपी। एचडीपी मैं दो बार बता चुकी हूँ। एचडीपी मींस हाइड्रोजन, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने से डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट डाउन द डिफरेंस वी आर कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है जी, ये हम लोगों के पास है। हु विल एक्सप्लेन? एनीवन कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स? एनीवन? द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यस, प्रतीक्षा, अनम्यूट योर सेल्फ बेटे, अनम्यूट योर सेल्फ प्रतीक्षा। मैम, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। नेगेटिवली, पॉजिटिवली एंड न्यूट्रल, ओके? यस, अदर डिफरेंस? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1800, रिलेटिव मास इज 1/1840 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Of protons, it is 1840 U, and for neutron, it is 0, I think. 1 AM. आपने प्रोटॉन का भी वो बोला है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है negligible, that is 1/1840 times of the proton. Mass of proton is 1 AMU and mass of neutron that is 1 AMU. एंड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द नेगेटिव चार्ज। वो आप बता ही चुके हो कि नेगेटिवली चार्ज है प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, ठीक है जी? और हाँ, हम उनकी पोजीशन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड या इन द शेल ऑर्बिट्स आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एज वेल एज द न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो दीक्षा, म्यूट योर सेल्फ बेटा, ठीक है जी? Then, what are the limitation of the J.J. Thomson model of an atom? Who will explain this? What are the limitation of the J.J. Thomson? What are the limitations of J.J. Thomson? Lisa, Hanji, Divya, unmute yourself. Divya, unmute yourself, beta. Yes, ma'am. J.J. Thomson was not able to explain how the positive and negatively charged particles are arranged on the atom, and there was no scientific experimental evidence of this model. Two drawbacks we discussed about the J.J. Thomson. Number one, that is, he couldn't explain, he couldn't give the experimental evidence for his experiment, and the second one, he couldn't explain the position of the electrons or the protons. He couldn't explain, मतलब J.J. Thomson ने, he was not able to explain the position as well as no experimental evidence for his experiment. ठीक है जी?
देन है हमारे पास व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ईएसडी ऑन योर सेल्फ. मैम रदरफोर्ड कुड वाज फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. यस स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. He couldn't explain the stability of an atom. Hanji, aage. Ma'am, the revolution of electron in a circular orbit is not expected to be stable. Because when they aap pura explain kar dena, because definitely this question will come in the 2 marks or the 3 marks. So isko explain kar do ki he couldn't explain the stability of an atom according to the yeah, any particle when it is in accelerated, when it is in a moving. It radiates energy. ठीक है revolving electron would lose or gain energy. मतलब it radiate energy, sorry gain नहीं it radiate energy and then it fall onto the nucleus. But it will not happen. It would not be मतलब happen and it अगर ऐसा होता if it happens then the atom is unstable. So he couldn't explain the stability of an atom. Describe Bohr model of an atom. Who will explain the Bohr model? Who will explain the Bohr model? Sanji, Arush, Prachi, Riyanshika, who will explain? Unaita, Bohr model. Yes, Riyanshika, unmute yourself. Ma'am, electrons revolve around the nucleus in fixed path called discrete orbits. Mm-hmm. While revolving in discrete orbits, mm-hmm. electrons do not radiate energy. Okay, or? The capacity an orbit possesses to add electrons is represented by 2n square. 2n square, yes. And he termed it as the? Shells को ही named it as the K L M N shell and 1, 2, 3, 4 atom. देखो उन्होंने लिखे हैं atom has nucleus in the center, electrons revolve around the nucleus, certain special orbits is known as the discrete orbits or the shells. While revolving in discrete orbit, electrons do not radiate energy. These orbit or shells are also called the energy shells. He gave the formula 2n square and he named it as a K L M N shells or 1, 2, 3, 4. अगर आपको describe आता है to describe Bohr model of an atom, तो बच्चे please make this diagram. Diagram ये जरूर बनाना है. If the Bohr model explanation आए, then make this diagram. ठीक है? Then again, this so you can do compare the proposed Bohr model of an atom given in this chapter. थॉमसन रदरफोर्ड और बोहर के एक्सपेरिमेंट को तीनों को वो करना है तो तीनों मॉडल्स आपको बहुत अच्छी तरह से पता है. ठीक है वी कैन इवन डू इट हियर. ऑल दीज थ्री मॉडल्स जो हमने करे हैं सॉरी थॉमसन रदरफोर्ड एंड Bohr, right? These three, so we can explain these three models and diagrams. आपके सामने देखो बने हुए हैं. Sphere of a positive charge ये हमने करा ही था कि sphere of a positive charge and electrons are embedded in it. ठीक है जी. He gave this one Rutherford. Some of the electrons pass straight to the gold foil. Some of the particles show deflection, and some of the particles rebounces back. ठीक है जी. This was the Rutherford experiment. Center में after that he termed it as a nucleus and Bohr model. K L M and N shell. K L M and N shell.
by doing this we have to draw these three agar hamara ko teeno ka comparison aata theek hai ji doubt to nahi hai is question mein then summarize the rule of writing the distribution of electron in various shells of the first k-teen element kaise summarize karoge how you will summarize this thing hum kaise summarize karenge beta by writing the formula 2n square the rule of writing the distribution of electron in first k-teen elements is given by the formula that is 2n square where n is equal to the number loge 1 2 3 4 and then we have to calculate so we calculate by putting it into the 2n square formula that is in the first shell 2 electrons in the second shell is then define the length yes what is the length define the length this hata lagain better but answer do beta are what is the length no one what is valency bete yes divya unmute yourself ma'am the combining capacity of an element combining capacity of an element is called its valency theek hai what is valency combining capacity of an element is called its valency by taking an example of silicon and oxygen yes Tiksha what is the valency of silicon and oxygen unmute yourself yes ma'am what is the valency of silicon and oxygen ma'am of silicon it is what 14. Is the atomic number of silicon kitna hai 14 agar hamare paas 14 hai silicon ka 284 so what is its valency its valency 284 4 and what is the valency of oxygen oxygen ka atomic number 8 electron to valency kitni hui o2 ma'am valence ma'am wo to valence electron nahi hote valency aur valence electron mein farak nahi hai nahi farak hai ye valence electron hai the electrons present in the outermost shell these are called the valence electrons how many electrons it require or it can lose that is called valency that is the combining capacity okay ma'am unmute yourself Arush ma'am the valency of oxygen is 2 minus 2 or the 2 we can write down the 2 valence electrons hote hain the electrons present in the outermost shell that are called the valence electron valency that means how many electrons they need to make its octet complete or to lose that is valency it need require the 2 electrons so valency is minus 2 it can lose or gain 4 electrons so it is having the plus minus 4 valency ye dekho here it is 4 silicon ki 4 hai oxygen ki 2 hai now explain with the example what is the definition of the atomic number who will tell the definition of atomic number एटॉमिक नंबर बच्चों मैं नाम लूं तो भी भूलोगे प्राची उनायसा रवनीत सुरवीन सौम्या धैर्य बेटे आंसर दीजिए प्राची अनम्यूट योरसेल्फ Yes, ma'am. The number of protons present in the nucleus of an atom of the element is the atomic number. बिल्कुल. The number of the protons present in the nucleus of an atom is called the atomic number. Now, what is the? You can write down the one example also. Atomic number of oxygen is 8. ऐसे लिख देना. Yes. What is mass number? What is mass number? Jaydev, unmute yourself.
Ma'am, total number of protons and neutrons present in nucleus of an atom is called the mass number. बिल्कुल. Total number of the protons and neutrons means the mass of the जो mass number is equal to the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number. Can you give me one example, Jadeep? Unmute yourself again. Can you give me one example? मैम जैसे कार्बन का 6 प्रोटॉन है और अगर उसमें वो हम न्यूट्रॉन प्लस करेंगे तो उसका मास नंबर 12 होगा. 12 इज द मास नंबर. तो वी विल कैलकुलेट बाय एडिशन ऑफ द मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. वेरी नाइस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप? यस सहरिया, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. धैर्य, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. इफ यू विल नॉट राइट दिस वर्ड मार्क्स कटेगा. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोटोप दैट मीन्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. When we are talking about the isobars, atoms of the different element. So you have to write down this word. Yes, Jia, unmute yourself. Can you give the example of the isotope? Ma'am, 35 chlorine 17 and 37. 17 chlorine 35, 17 chlorine 37. Mass number pehle nahi bolna. Okay, Jia? Okay. Okay. Yes, Arush, unmute yourself. Arush. Unmute yourself. Yes, ma'am. Tell me the definition of isobar. Can you give? Ma'am, isobars are atoms with different elements but same but same mass number. Different beta atoms of the different element have the same mass number but different atomic number. Example: 18 argon 40, 20 calcium 40. Yes, Karan, unmute yourself. Yes, ma'am. Can you give the two uses or the applications of the isotope? Cobalt 60 is used in the treatment of cancer. Uranium 375 is used in nuclear reactor. Uranium, aap mat likho. If you are not able to memorize this thing, you can leave this one. You can just write down the isotope of the uranium is used in the nuclear reactor. Otherwise, it's a 92 uranium 235 that is used. Now, atomic number ki humne kar li. Theek hai, these are just showing examples ke saath they are showing uses of isotope. Iodine, isotope of iodine is used in the treatment of the goiter. Isotope of uranium is used in the nuclear reactor. Isotope of cobalt is used in the treatment of the cancer. Next question, Brijesh. Brijesh, raise your hand. Bagan, can you give the answer of the next question? Can you give sodium positive? Sodium ion has completely filled K and L shells. Explain. Who will explain this thing? Ki sodium positive has. Who will explain? No. Na positive has. वो कह रहा है कि Na पॉजिटिव हैज कंप्लीटली K एंड L शेल. एक्सप्लेन करो हाउ इट इज हैविंग अ कंप्लीट या फिल्ड है इनके. हां जी करण, अनम्यूट योरसेल्फ करण. मैम क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है. नहीं, फिर ये है ना एटॉमिक नंबर. अगर हम बात कर रहे हैं, इफ वी एम सेइंग 11 एटॉमिक नंबर, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281. ठीक है, बट हां जी दिव्या, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 बट इट हैज गिवन वन इलेक्ट्रॉन.
so it will so the KNL shells are completed. Yes. It is Na positive, whose atomic number is 11. Its electronic configuration is 281. But when it is written Na positive, which indicates that it loses its one electron and acquire a positive charge. So that's why it has a K and L shell filled. Look here. Sodium atom has atomic number 11, same. But sodium ion, it loses its one electron and acquire a positive charge. So it has electronic configuration 2-8, and that's why its K and L shells are completely filled. ठीक है? Then numerical आता है सबको? If bromine atom, ये तो अब आना चाहिए सबको. We already discussed at least 2-3 times we discussed. Bromine atom is available in the form of two isotopes. 35 bromine 79, 35 bromine 81, and these are having the percentage of 49.7, 50.3. Calculate the average atomic mass. So aap sabko aata hai, what is the formula of average atomic mass? Average atomic mass equal to the mass of first isotope multiplied by percentage plus mass of second multiplied by percentage divided by 100. है ना? तो ये numerical तो हमें आना चाहिए सबको. 79 multiply 49.7 plus 81 multiply 50.3 divided by 100. ये आ गया आपके पास 3926.3 प्लस 4074.3 डिवाइडेड बाय 100. ऐड कर दो इसमें 6, it will come 800.6 divided by 100, and it will become 80.00. That is 80. हाँ जी दिया. दिया पूछना है कि आंसर देना था. हाँ जी अनम्यूट करो दिया. मैम आंसर देना था. आता है ना आप सबको, प्लीज अब गलत नहीं करना. ऑल ऑफ यू नो. And definitely this numerical will come. ठीक है जी. अगला भी अब आपको आता है. Average atomic mass of the average atomic mass. हाँ जी से दीक्षा unmute yourself बेटे. Unmute करो तो दीक्षा. मैम मैंने आंसर देना था इसका, ये वाले नेक्स्ट क्वेश्चन का. 16.2. ठीक है, सेम फार्मूला एवरेज एटॉमिक मास, बट हियर दे हैड नॉट गिवन द परसेंटेज, सो वी विल अज्यूम द परसेंटेज. x8x16 की वी विल अज्यूम a या x मान लेंगे, दूसरे की हो जाएगी 100 माइनस a, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द, ये देखो सामने आपके करा हुआ है 16, x ओवर 100 18, x माइनस 100 तो मल्टीप्लाई करा 1, इट विल कम द 90, 100 minus 90, that is 10. So we have to calculate this. Next question, dekho. If Z equal to 3, what would be the valency of an element? Also name the element. What is the answer of this question? Who will tell?
Shikant, unmute yourself. Ma'am, the element is lithium and valence. Element is lithium. Because the three is the atomic number is three. Okay, Z means atomic number we are talking. If the Z is three, that means it is a lithium. Or kya puchha hai? Valency. Valency kya hai iski? Electronic configuration of a 2-1. So valency is plus 1. ठीक है जी, ठीक है. Then composition of the two nuclei of atomic species X and Y are given. X और Y की composition given है. X are having 6-6, मतलब दोनों के दो elements हैं X and Y. जिसमें से proton हैं दोनों के 6-6, neutrons हैं 6 and 8. Now they are asking the mass number of X and Y and give the relation between the two species. Hanji, who will explain? Who will explain this question? No one? Bacha, ye dekho. Mass number nikalenge hum. Mass number is equal to the number of protons plus number of neutrons. That is 12. 6 or 8, 14. मास नंबर दोनों का डिफरेंट है. 6x 12, 6y 14. तो ये क्या रिलेशन है इन दोनों में? दीज आर कॉल्ड द आइसोटोप्स. सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है जी, बट डिफरेंट मास नंबर. इज इट क्लियर? ठीक है. ट्रू फॉल्स वैलेंस कहते हैं. Then we are having, this we can fill. You can see, आपको given है, fill करने हैं blanks. Answer दोगा, देगा कोई बच्चा? बच्चे anyone? 9 is atomic number. Atomic number. Then mass number. Then neutrons, protons, electrons and name. यहाँ पे है 9, है ना? हाँ जी, प्रतीक्षा दो आंसर, अनम्यूट करो. मैम, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 9 है तो 9 ही प्रोटॉन हो गए, 9 ही इलेक्ट्रॉन, है ना? अब गिवन क्या है? 10 न्यूट्रॉन है. तो मास नंबर कितना हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 19 है. 19 के, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 19. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एलिमेंट? हाय, हेलो, लिसन, बी बी सी न्यूज ऑफ फ्रांस. ठीक है, तो ये किसका हो गया? फ्लोरीन. हाँ जी, रियांशिका, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, नेक्स्ट का प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 16 और मास नंबर 32 और नाम दिया हुआ है सल्फर. ओके, हाँ जी बताओ रियांशिका. मैम, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 16 एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो 16. न्यूट्रॉन्स आर आल्सो 32 माइनस 16, दैट इज. ठीक है जी, थर्ड है हमारे पास. हाँ जी रियांशिका, ओके. थर्ड है मास नंबर 24 और क्या गिवन है? प्रोटॉन 12. बाकी बताना. हु विल टेल? जिया, दिव्या, जिया, कैन यू टेल? बेटा और कोई? करण, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. ओके, 12. इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 12. मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 12 न्यूट्रॉन्स. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एलिमेंट? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम, वेरी नाइस. यस जी, आप अगला दोगे आंसर कोई? हां जी जी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे. यस मैम. टू, एक मिनट और देखिए.
प्रोटॉन वन. हाँ जी जी बोलो मैम. हीलियम प्रोटॉन वन है तो ये भी कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन भी वन और एटॉमिक नंबर भी वन. तो न्यूट्रॉन कितने हुए मैम? न्यूट्रॉन्स are also one. Two minus one, that is one. What is the name of this element? Ma'am, helium. Hydrogen, but one we are talking. Hydrogen. We are talking about the one, so that is hydrogen. One hai na atomic number, to hydrogen hua ye. Theek hai? Is it okay. clear?